हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या। और आज मैं आप लोगों के लिए 17 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी लेकर आई हूँ। हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग क्वेश्चंस की डिटेल ज़रूर देखें, क्योंकि डिटेल से आप लोगों के करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, उदय कोटक को फिर से किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उदय कोटक को फिर से कोटक बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है और वे अगले 3 सालों तक इन पदों पर बने रहेंगे और वे करीब 17 सालों से कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ पद पर कार्यरत हैं। यानी कि वो 17 सालों से लगातार इस बैंक के एमडी और सीईओ हैं और अगले 3 सालों के लिए फिर से इन्हें एमडी और सीईओ बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अगले साल गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे। तो बोरिस जॉनसन 26 जनवरी 2021 को अपने देश भारत में मुख्य अतिथि होंगे। इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो अगले साल गणतंत्र दिवस पर यूनाइटेड किंगडम के पीएम बोरिस जॉनसन भारत के मुख्य अतिथि होंगे और यूके ने इसे बड़ा सम्मान बताते हुए पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन देश करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ कब किया जाएगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया जाएगा और इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। यह सड़क भारत में संचालित है, जबकि यह मेहरपुर मुजीबनगर जिले से होकर बांग्लादेश में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में असम राज्य की सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने की मंजूरी दे दी है। क्यों दी है मंजूरी? क्योंकि जो असम के शिक्षा मंत्री हैं हिमंता बिस्वा, उन्होंने अक्टूबर में ये बात कही थी कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार इन पर हर साल 260 करोड़ रुपए खर्च करती है, इसीलिए इन्हें बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 16 दिसंबर को पूरे भारत में विजय दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण यह दिवस मनाया जाता है। यानी कि 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से भारत ने युद्ध जीता था, इसलिए विजय दिवस मनाया जाता है। और युद्ध के अंत में 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसीलिए यह विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है सौरभ गांगुली, और सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में UN ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मंजूरी दे दी है, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो यह दिन कोरोना जैसी महामारी से बचने के उपाय और महामारी को लेकर हमारी तैयारियों पर केंद्रित होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सॉफ्ट बैंक समर्पित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने तमिलनाडु में 2400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माता फैक्ट्री होगी। अगर क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, करंट अफेयर में आ जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री कहाँ है, तो वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गॉडफादर पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तकों से भी आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो गॉडफादर जो पुस्तक लिखी गई है, यह अभिषेक कश्यप के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 रविकांत अब्बा ने जीती है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हैदराबाद के वकील रविकांत अब्बा ने विश्व क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है और विश्व क्विजिंग चैंपियनशिप एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। यहाँ पर आप लोगों का वीडियो फिनिश होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।